स्ट्राइकर्स बन गए हैं नए सुपर लीग चैंपियंस। सुपर लीग ट्रॉफी उठाने का वाकई हकदार तो शेख है, आखिर उसी के पैर ने तो इन्हें हर मैच जिताया है, उसका जवाब नहीं और उसके जोकर वाले जूतों का भी। अगर सुपर स्ट्राइकर्स को लगता है कि वो सुपर लीग जीत सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, हम उन्हें कुचल देंगे। तो आज तुम उन्हें हाइड्रा के साथ खेलता हुआ देखने जाओगे? बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे आयरन टैंक के खुंग। चलो चलें। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, मुझ में देखे फाइट, जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर। स्ट्राइकर सुपर स्ट्राइकर। तेरा सपना बड़ा ही अजीब था दोस्त, सुपर लीग टाइटल को छोड़कर तेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता क्या? सच कह रहा है। तो एक और गोल हो जाए। लगता है हाइड्रा वाले भूल गए हैं सुपर स्ट्राइकर्स का गोल कहाँ है। इस सीजन स्ट्राइकर्स का टीम वर्क हर मैच के साथ सुधरता गया है ना? बिल्कुल हम दोनों की तरह है ना? जरा देखिए तो, लगता है जैसे हर प्लेयर जानता है कि दूसरा प्लेयर कहाँ होने वाला है। डिफेंस पर काफी प्रेशर है। गोल पर गोल हो रहे हैं, शायद एक और होने वाला है, और ये रहा सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। शेख और फाइटर का कॉम्बिनेशन तो कमाल का है। हिंदी कहेंगे फाइटर, वो कौन है? वो है बड़े से कोई तो है। अच्छा खेल रहे हैं ना? अच्छे फॉर्म में है, हम उनके बैंड बजा देंगे। बिल्कुल सही कहा, आखिर हम हैं आयरन टैंक। हेलो की बेहतरीन किक और सीधी फाइटर के पास, और फाइटर की नई टेक्निक। वाह क्या गोल है! ऐसी किक के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आयरन टैंक, तेरा भी यही हाल होने वाला है बच्चू, देख लेना। फाइटर तो उन्हें खुली चेतावनी दे रहा है। लगता है सिर्फ यही एक सुपर स्ट्राइकर है जो सुपर लीग की सबसे खूंखार टीम आयरन टैंक से बदला लेने को बेताब है। क्या बात है! Congratulations boys, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कोच। बाहर जो तुमने बेकार हरकत की, कहीं उससे ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो तुम्हें उनके सामने नीचा दिखा दे। अगली टीम है आयरन टैंक। प्रोफेसर, अब मशीन तैयार है कोच। बहुत अच्छे। आज तो
बोलना यार, तुझे क्या लगता है हम लोग जीतेंगे? छोड़ यार, बेकार की बातें हैं ये सब। मेरे हिसाब से ना इसके पास कोई और काम ही नहीं है, इसलिए तो दिन भर टीवी में बैठे बैठे बेकार की बातें करता है। बहुत हुआ, हम पहुँच गए। ये है फिटनेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओह क्या बात है, शायद यहाँ मसाज मिल जाए। आयन टैंक से खेलने की ट्रेनिंग हमें यहाँ मिलेगी? एक्चुअली सुपर स्ट्राइकर बनते ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर उस ट्रेनिंग में एक और पड़ाव शामिल किया जाएगा। आयन टैंक की ताकत की बराबरी पर आने के लिए हमें और कितनी ताकत चाहिए वो हमें ये मशीन बताएगी, जो है द मैच मेजर। अब ये क्या है प्रोफेसर? ये अब द मैच मेजर है, तुम्हारे मसल मास, स्किल, स्ट्रेंथ, स्पीड जैसे वाइटल साइंस रीड करके रिकॉर्ड करेगी। फिर ये आयरन टैंक वाले मार्कर से तुम्हारी तुलना करेगी और बताएगी कि उनके फिजिकल लेवल पर आने के लिए तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग करनी है। ये प्रोग्राम तुम्हारी बॉडी को एक हद तक ट्रेन करने में मदद करेगा, और वो भी बिना चोट पहुँचाए। आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है प्रोफेसर? बिल्कुल, ये जीनियस है, मतलब होशियार है, ये काम करेगी। एक भी कमजोर कड़ी हमारी टीम को तोड़ कर रख देगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ब्लॉक। जी कोच। पहले तुम जाओगे। अब बस तुम ही रह गए हो। ये रही आखिरी रिपोर्ट। चलता हूँ। अजीब है। मुझे क्रंचेस करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मेरी रिपोर्ट में कुछ हेरा फेरी नहीं हो सकती? कोच, मैंने टेक्नोलॉजी पर हमेशा भरोसा किया है, पर ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए गलत है शेख। गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है शेख। मैं तुम पर इंजर्ड होने का रिस्क नहीं ले सकता। पर तुम बस अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करो, तुम्हारे लिए उतना काफी होगा। इसे सीखो, जानो और अपना। लेकिन अब मैं भला अपने आप को टीम का हिस्सा कैसे समझूं? तो आप पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। अब सुनो, अपनी ट्रेनिंग के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है, रुक जाना? दरअसल हम आयरन टैंक और इनविंसिबल यूनाइटेड का मैच देखने जा रहे हैं, वो याद है ना? अच्छी तरह से। इस मैच में हमें पता चलेगा कि हम उनके सामने कितने पानी में हैं। मैच का दिन आ गया है। उम्मीद है होम टीम खूंखार आयरन टैंक के लिए तैयार होकर आई है। लगता है कोई यहाँ मुझ जैसे मास्टर से ये सीखने आया है कि आयरन टैंक को ट्रैक से कैसे हटाना है। हे, अगले हफ्ते तू वहाँ खड़ा होगा जहाँ स्कारा इस वक्त खड़ा है। देखते हैं इनविंसिबल यूनाइटेड आयरन टैंक के आगे क्या गुल खिलाते हैं। जो भी खिलाएं, उम्मीद है आखिर में वो सही सलामत बचे। बहुत अच्छा डॉज, और स्कारा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है।
क्या ये गोल कर पाएगा? नहीं। ओहो, कितनी जोर की मारती है। बॉल आयरन टैंक वालों के पास। बहुत ही शानदार खेल देखने को मिल रहा है। गोल, और ये गोल, फिर एक गोल। थोड़ा ही वक्त बचा है और आयरन टैंक 3 गोल कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वाकई कभी नहीं सीखोगे। उम्मीद है इस कारा को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, पर दिन में तारे जरूर दिख रहे होंगे। अच्छा है कोच ने हम सबसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवा ली है। वो लोग इंसान नहीं, पत्थर हैं यार। आज तुमने आयरन टैंक की असली काबिलियत देखी। वो चाहे जितने भी अच्छे हों, तुम उनके लिए तैयार हो जाओ। तुम सब के सब एक टीम के रूप में सामने उभर कर आ रहे हो और तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। चलो शुरू करें। ऊपर से नजारा कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा। ऊबर, तेरा बैंड बजेगा, बारात लेकर आ जा। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आज मुझे अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। ये तो हो गया। अब प्रोग्राम के हिसाब से और तेज करना है। कोच, एक बात कहनी थी। शेख को अपना प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी फिक्र मत करो प्रोफेसर, मैंने उसे वो रिपोर्ट अब तक नहीं दिखाई। ओ, अच्छा है, अच्छा है। गलत ट्रेनिंग करने से उसे बड़ी चोट लग सकती है। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर, बिल्कुल सही। टीम, याद रखना कल का हमारा मुकाबला बड़ा ही कड़ा होने वाला है। बस अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखना, एकजुट होकर खेलो और हो सकता है शायद हम सुपर लीग में सिल्वर मेडल ही जीत जाएं। सिल्वर मेडल? विनर्स को तो गोल्ड मेडल मिलता है ना। अरे यार, तू भी ना। तैयार हो जाओ, 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकरलैंड में तैयारियां हो रही हैं उस सुपर लीग मैच की जिसका सबको इंतजार था। आई होप सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तैयारी के साथ आएंगे। दोनों टीम को इस करो या मरो मुकाबले में अपना बेहतरीन खेल खेलना होगा अगर उन्हें फुटबॉल की सबसे बेहतरीन लीग में जमे रहना है तो। मेरा पैर। तो उम्मीद है कि प्लेयर सारी बातें भूलकर आज रात अच्छी तरह आराम करके आएंगे और जो अच्छा होगा वही जीतेगा। मैच का दिन आ गया है और आज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और खूंखार होने वाला है। मैंने ऐसा माहौल पहले कभी महसूस नहीं किया है। आज कौन जीतेगा? काश मुझे पता होता दोस्त। अगर आज हम नहीं जीते तो सुपर लीग टाइटल हाथ से गया समझो। अब शेख कहाँ है? शेख, ये तुझे क्या हो गया यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोच, मैं खेल लूंगा। कोच, सुनिए। इसी वक्त डॉक्टर के पास जाओ और अपने पैर की मरहम पट्टी करवाओ, समझे?
के साथ ही प्लेयर्स आ गए हैं, पर सब नहीं आए हैं। पर यहाँ फाइटर के साथ क्लॉस क्यों आया है? शेक कहाँ है? और इसी के साथ मैच शुरू हो गया है। आयरन टैंक की बेहतरीन किक, बहुत अच्छा प्रदर्शन, जवाब खेल। सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को ईट का जवाब पत्थर से दे रही है। हाँ तकरीबन, शेक होता तो शायद स्कोर कर पाता, पर तुम वैसे भी मैं यहाँ स्कोर करने थोड़ी ना आया हूँ। जो की बेहतरीन किक और फाइटर हवा में उछलते हुए बॉल सीधी गोल के अंदर, क्या बात है, सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। आखिरकार शेक फील्ड पर आ चुका है, पर ये क्या, उसके पैर में बैंडेज बंधी है। ऐसे हालात में आयरन टैंक के खिलाफ वो क्या कर पाएगा? कोच अच्छी खबर है, मैं पूरे 15 मिनट के लिए खेल सकता हूँ। तुमसे कहो किसने कि तुम खेल रहे हो? क्या, पर कोच हमें स्कोर करने की जरूरत है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जरूरतों को टीम से ज्यादा जरूरी समझा, अब चुपचाप बैठ जाओ। फिर से उबेर ने क्लॉस को गिरा दिया है, क्या शेक के आने से सुपर स्ट्राइकर्स के खेल में फर्क पड़ेगा? वैसे आयरन टैंक पहले गोल के बाद सुपर स्ट्राइकर्स को दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। सही कहा, पर स्ट्राइकर्स भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वाकई, कहीं इन्होंने इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग तो नहीं ली। मैक, आयरन टैंक का प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, आयरन टैंक का बढ़िया पास, लगता है अब इनका पहला गोल होगा। कोच मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ गोल करके रहूंगा। मेरे मूव्स, मेरा ग्रूव, जो से बॉल छीन ली गई लेकिन ब्लॉक ने फिर से हासिल कर ली। क्लॉस के दोनों तरफ डिफेंडर्स, ओहो, गेम में एक ठहराव सा आ गया है। शायद शेक को फील्ड पर भेजने से सुपर स्ट्राइकर्स में एक नया जोश फिर से भर जाए। एना मैक, शेक किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ अपना जलवा दिखाओ। यस सर। ये क्या, शेक आ रहा है। अब होगा धमाल, तो दे ताली। चलो, आखिर तुम आ ही गए हैं, शुरू से आने की हिम्मत नहीं थी क्या? मैं इसी तरह खेलता हूँ दोस्त। मैच शुरू, और टाइगर ने बॉल थ्रो की जो को, बढ़िया पास कैप्टन रास्ता को, और शेप को ब्लॉक किया जा रहा है। शेक वापस खड़ा हो गया है। जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ, वो किसे पास करेगा? एक बार फिर उसे गिरा दिया है। अब मुझे समझ में आया कि तुझे बाहर क्यों बिठाया गया था। बिद्दी कहीं का, मुझे यहाँ कमजोर कड़ी नहीं बनना है, है ना? तो चलो ऊबर को उनकी कमजोर कड़ी बनाते हैं दोस्त। गेम बराबरी पर चल रहा है। शेक अपने पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ, फाइटर ने पास किया शेक को, शेक का बेहतरीन टॉस, बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ते हुए, ये क्या, मैं ये करके रहूंगा। शेक मैं यहाँ हूँ, बॉल पास कर यार। वेल डन शेक, लेकिन ये गोल तुझे ही करना है। बॉल फिर से शेक के पास। शुक्र है मेरे हाथ अब भी सही सलामत हैं। और ये शेक की नई टेक्निक।
वापस लाने से उनमें जोश भर जाएगा। हाँ? तुमने मुझसे कहा था? सुपर स्ट्राइकर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस साल टाइटल जीतने का आयरन टैंक का सपना सपना ही रह गया है। शेक तेरा जवाब नहीं, मेरे पैर का दर्द चला गया है। कोच ने मना करने के बावजूद भी मुझे फील्ड पर क्यों भेजा? क्योंकि हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं खेल पाए, पर हम सबको एक साथ खेलने की जरूरत थी, कुछ ही मिनटों के लिए। सही, यार मैंने तुम सबको बहुत निराश किया ना, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इस बार तो चल गया, लेकिन आगे से यहाँ मेरी कही हुई बात को कोई नहीं टालेगा। शेक, तुझे पता है तू कितना लकी है, तुझे कोच ने सजा नहीं दी। बदकिस्मती से हम कोच जितने महान नहीं हैं। हफ्ते भर हमारे गंदे कपड़े धोना। समझा? या